नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं पशु पक्षियों के हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमने खास कर देखा है हमारे गाय माता को माता के रूप में पूजा जाता है और उन्हें सभी देवी देवताओं की माँ भी माना जाता है क्योंकि उनका नाम आदिति भी है और इसलिए उनमें हम सभी देवी देवताओं यानी कि 36 करोड़ देवी देवताओं के स्वरूप को माता के अंदर देखते हैं यानी कि गाय माता के अंदर देखते हैं और उसी के बारे में आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कि सभी देवी देवताओं के कोई ना कोई वाहन तो होता है लेकिन वाहन कोई ना कोई जानवर या कोई पक्षी होता है तो वह क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनके लिए तो आज जानते हैं इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, चूहा। चूहा वैसे वाहन गणेश भगवान का है जिन्हें मूसक भी कहा जाता है और मूसक भगवान गणेश की सबसे प्रसिद्ध सवारी है। हमने कभी भी भगवान गणेश का चित्रण देखा है या फिर मूर्ति देखी है तो उसके पास कोई ना कोई चूहे की तस्वीर जरूर होती है। कहा जाता है कि भगवान गणेश ने चूहे की सवारी कर कर ही भगवान शिव और पार्वती की परिक्रमा की थी। जब उनसे कहा था कि आप पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने जाइए तो भगवान गणेश ने माता पार्वती और शिव भगवान को बीच में बिठा कर और उनके ही चारों ओर सात चक्कर लगाकर परिक्रमा पूरी की क्योंकि उन्होंने कहा कि जब आप सृष्टि की रचना करने वाले ही आप हैं तो आपकी ही परिक्रमा करने के बाद मेरे पूरी पृथ्वी के चक्कर ही लगा सकता हूँ तो इसलिए गणेश भगवान का चूहा सबसे महत्वपूर्ण सवारी माना जाता है। नंबर दो, बैल। बैल वैसे भगवान शिव का एक सवारी है जिसे हम नंदी के नाम से जानते हैं। आपने अक्सर मंदिर में जरूर देखा होगा कि भगवान शिव के साथ हमेशा एक बैल यानी कि नंदी के रूप में तैयार रहता है और वह भगवान शिव की सवारी है। माना जाता है सबसे चहेता पशु बैल है। भगवान शिव को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चहेता बैल ही माना जाता है क्योंकि भगवान शिव को सबसे सीधे और सबसे भोले माने जाते हैं इसलिए भगवान शिव को नंदी सबसे प्यारा है। नंबर तीन, शेर। हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ की सवारी है और शेर का प्रतीक माना जाता है कि शेर वेदर्थी होता है, गर्व होता है और क्रोधी भी होता है इसलिए दुर्गा माँ का भी हम जानते ही हैं कि दुर्गा माँ विनाशक है और जो व्यक्ति विनाशक रूप धारण कर लेता है वह पूरी पृथ्वी का ही सर्वनाश कर सकता है इसलिए माता उन सृष्टि पर जो भी लोग गंदे काम करते हैं या फिर जो व्यक्ति असुरों के रूप में कार्य करते हैं वह व्यक्तियों का सर्वनाश करते हैं और उस कार्य में शेर उनकी सहायता करता है। नंबर चार, मोर। मोर वैसे सरस्वती माँ की सवारी है। आपने सभी जानते हैं कि सरस्वती माँ विद्या की देवी मानी जाती हैं और मोर उसी का प्रतीक है। सरस्वती माँ कहती हैं कि कभी भी भारी खूबसूरती या सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, हमेशा व्यक्ति के अंदर की सुंदरता को देखना चाहिए और उसे समझना चाहिए तो मोर इसी का प्रतीक माना जाता है। नंबर पाँच, हंस। हम सभी जानते हैं कि हंस ब्रह्मा जी की सवारी है और ब्रह्मा जी की सवारी इसलिए भी है क्योंकि हंस एक ऐसा जानवर है जो दूध से पानी को अलग करने की क्षमता रखता है इसलिए कहा जाता है कि वह व्यक्ति जो अपने ज्ञान और क्रोध को अलग कर सकता है वह व्यक्ति ब्रह्मा जी का सबसे चहेता माना जाता है इसलिए ब्रह्मा जी ने हंस को अपनी सवारी बनाया। नंबर छः, उल्लू। माता लक्ष्मी की सवारी है लेकिन सवारी होने के बावजूद आपने देखा होगा कि माता लक्ष्मी उल्लू पर सवारी करते हुए कभी भी अपने घर में पोस्टर नहीं लगाते क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी को उल्लू सबसे प्रिय है लेकिन फिर भी लोग तस्वीर को अच्छा नहीं मानते। जब भी हम दिवाली की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा हमेशा उस तस्वीर के साथ करते हैं जिसमें माता लक्ष्मी धन की बरसात करती हैं। कभी भी उल्लू की सवारी पर कभी नहीं करते क्योंकि वह उल्लू की सवारी अशुभ मानी जाती है। उल्लू को रात में नजर आता है, दिन में नहीं, इसलिए भी उसे अशुभ माना जाता है। तो ये है वह पक्षी जिनको भगवान ने अपनी सवारी बनाया और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।